पुणे में आम आदमी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुटलेहड़ से देव कुमार भुट्टो और ऊना विधानसभा क्षेत्र से राजीव गौतम ने 6 लोगों को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर लोकसभा प्रभारी भी विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं देव भुट्टो ने कहा कि जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है वो सीनियर सिटीजन हैं और सरकारी विभागों से सेवानिवृत्त हैं। ये 6 लोग 6,000 के बराबर हैं। बीच में जो नई ज्वाइनिंग हुई है, हमारे 6 सीनियर सिटीजन्स जो हमारे क्षेत्र से बहुत सम्मानित लोग हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। इसके लिए हम सभी उनका आभार प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी मजबूत हो, मजबूती की तरफ जाएगी। देखिए, ना तो कांग्रेस का कोई वजूद रहा है ना बीजेपी का, क्योंकि लोग दोनों से डरते हैं। उन दोनों की गलत नीतियों की वजह से लोग परेशान हो चुके हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हिमाचल की जनता आम आदमी पार्टी को आने वाले समय में मौका देगी, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी के सभी उम्मीदवारों को जिताएगी। देखिए, आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है हिमाचल में। कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी को लहर जो आज ज्वाइनिंग हुई है, भ्रष्ट बुद्धिजीवी लोगों की, इनका आम आदमी पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत इनका धन्यवाद है। और इस 6 लोगों की जो ज्वाइनिंग है, ये आपको बताया हमारे प्रेसर जी ने, गौतम जी ने, कि 6,000 लोगों की ज्वाइनिंग है। तो इनका जो पार्टी के अंदर योगदान रहेगा, बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो पार्टी अब हिमाचल के अंदर 8 की 8 विधानसभा सीटें जीतकर पूरे परचम लहराएगी और अपनी सरकार। तो यहाँ पर रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ तुरंत लौटेंगे।